हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से है स्वागत। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टाइम बॉक्स में सर्वे कैसे कर सकते हैं, और आपके साथ में एक ट्रिक भी शेयर करूंगी जिस ट्रिक को आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर अर्न कर सकते हैं सर्वे कंप्लीट करके। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर्वे को करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अर्न टैब में। वहाँ जाकर हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सर्वे के रिगार्डिंग है, और बाकी जो सारी ऑप्शन है उनके थ्रू भी हम डॉलर्स को अर्न कर सकते हैं। उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी। अभी सिर्फ आपको सर्वे के रिगार्डिंग बताऊंगी कि कैसे हम सर्वे कर सकते हैं, कैसे उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, और कौन सी जो ट्रिक्स हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए सर्वे को करते टाइम। तो चलिए करते हैं नीचे को स्क्रॉल और देखते हैं जहाँ हमारे पास कौन कौन से सर्वे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास मल्टीपल सर्वे है थ्योरम के रिगार्डिंग, ओपिनियन, रेवेन्यू, वालबिट, लैब्स, इन योर सर्वे। ठीक है, बहुत सारे सर्वे हैं, आप इनमें से कोई भी सर्वे को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम नीचे की ओर जाएँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन्होंने सर्वे कंप्लीट किए हुए हैं उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कौन सा सर्वे कंप्लीट किया है, उसका नेम, कितने उन्होंने पैसे अर्न किए हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और उस यूज़र का क्या नेम है वो बताया हुआ है, और कितने टाइम पहले उन्होंने जो सर्वे कंप्लीट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र्स ने सर्वे कंप्लीट किए हुए हैं। ओके, तो चलिए करते हैं हम भी अपना कोई भी सर्वे स्टार्ट। ठीक है, आप इनमें से कोई भी सर्वे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रेंडमली सिलेक्ट करती हूँ योनो का सर्वे, सबसे पहले हमें कैप्चा फिल करना होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सर्वे है वो ओपन होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि सॉरी नो सर्वे अवेलेबल। अभी इसमें कोई सर्वे अवेलेबल नहीं है, सो इस रीज़न के कारण हमारे ऐसा मैसेज लिखा हुआ आता है। अगर आप सर्वे के थ्रू डॉलर्स अर्न करना चाहते हो तो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद सर्वे को चेक करना पड़ता है कि सर्वे आया है कि नहीं। अगर नहीं है, किसी और यूज़र्स ने उन सर्वे को कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ आपके सर्वे अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद सर्वे को चेक करते रहना होगा। तो चलिए हम कोई और सर्वे ट्राई करके देख लेते हैं। जहाँ हम बिट लैब का सर्वे देखते हैं, अगर उसमें कोई अवेलेबल हो तो हम कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे मैसेज आ रहा है ट्राई लेटर। ठीक है, अभी ये इसमें भी कोई सर्वे अवेलेबल नहीं है। ऑफर्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल जो ऑफर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं, और यहाँ गेम्स वगैरह खेल के आप डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो अभी हम कोई और सर्वे चेक करते हैं, शायद हमें मिल जाए करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी टाइम बाद सर्वे चेक करना होता है, कई बार अवेलेबल होते हैं और कई बार नहीं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल जो यूज़र्स हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि उनके सर्वे अवेलेबल नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम सर्वे को पहले स्टार्ट करते हैं तो हम अच्छी तरह उसके रिगार्डिंग नहीं पढ़ते हैं, तो कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते रहते हैं, तो इस रीज़न के कारण जो हमें सर्वे है वो कम आते हैं। तो अगर जब भी आप सर्वे करें तो सबसे पहले आप अच्छे से उस सर्वे के क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, क्योंकि जी इसका जो भी डाटा होता है सर्वे का वो स्टोर होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप सर्वे करें तो अपनी ठीक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही डालें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली थी, वो ट्रिक ये थी कि जब भी आप सर्वे करें तो आप हमेशा अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे हाईएस्ट बताएं। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें अपना सर्टिफिकेट लोड करना पड़ेगा, के प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने इतनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सर्वे होते हैं वो
कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। अगर हम उनको अपनी जो इनकम है वो लोग बताएंगे तो उनको लगेगा कि अगर इसकी इनकम ही इतनी लो है तो ये हमारा प्रोडक्ट कैसे परचेज करेगा, क्योंकि मल्टीपल जो सर्वे है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही होते हैं। जो मल्टीपल कंपनीज है वो टाइम बक्स के पास आती हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्वे कराने के लिए देती है कि लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं या जानते भी है, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वे के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सर्वे अपना करें तो जो अपनी इनकम है उसे हाईएस्ट ही हमेशा बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ तो मांग नहीं रहा कि आप प्रूफ दो कि आपकी इतनी सैलरी है। ठीक है, सो आप इन बातों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो आप जो मल्टीपल सर्वे हैं वो कर पाओगे और आपके पास हाई जो रेट ऑफ डॉलर वाले सर्वे हैं वो आएंगे। ठीक है, बार ट्राई कर लेते हूँ कि शायद कोई सर्वे आ जाए तो आप उसे कर पाए, तो मैं आपको करके दिखा दूँ कि सर्वे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमारे से कोई क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें उन क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, जो मल्टीपल सर्वे अभी अवेलेबल है। ठीक है, हम इसमें कोई भी जो सर्वे है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे कंप्लीट करके जो डॉलर्स है अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से सर्वे, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो यहाँ मैं इंग्लिश और हिंदी चूज़ करूँगी और कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, मैं फीमेल सेलेक्ट करूँगी और नेक्स्ट मूव करूँगी। यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, मैं रेंडमली अभी कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ रेंडमली कोई भी सिलेक्ट करके इस यहाँ डाल दूँगी और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूँगी। नेक्स्ट हमें यहाँ अपना पिन कोड डालना होगा, यहाँ मैं डमी जो पिन कोड है उसे ऐड कर दूँगी और कंटिन्यू कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मैं एम्प्लॉयड फुल टाइम फिल कर दूँगी और उसे कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट है हमारा रीज़न हमारा है नॉर्थ ईस्ट और इसे मैं कंटिन्यू कर दूँगी। ऐसे ही आप जो सर्वे हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा सर्वे है वो कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट और कोई सर्वे अगर सेलेक्ट करूं तो वो भी मैं कर सकती हूं, और ऐसे ही जो सारे सर्वे हैं जहां दिए हुए हैं उन सारे सर्वे को मैं वन बाय वन ट्राई करके उसने कर सकती हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ही स्टार्टिंग में कि कई बार जो सर्वे हैं हमारे दिखाई नहीं देते, तो आपको बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद सर्वे को चेक करते रहना चाहिए पड़ेगा। अभी आप जहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा सर्वे हैं, और इन्हें करने में अगर मैं इन सारे सर्वे को कंप्लीट कर देती हूँ तो मैं कितने डॉलर्स अर्न कर सकती हूँ। यही मेरी ट्रिक थी कि आप जब भी सर्वे करें तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी उसे बढ़ा चढ़ा कर बताएं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वे है आपके पास आए और ऐसे ही आप इन सर्वे को कंप्लीट करके डॉलर्स अर्न कर सकते हो। इस चैनल पर मैंने कैसे हम पुश क्लिक इनेबल कर सकते हैं उनके रिगार्डिंग भी वीडियो डाली हुई है, और कैसे हम प्रीमियम मेंबरशिप लेकर 10% ज़्यादा जो अमाउंट है डॉलर्स की वो अर्न कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल जो वीडियोज़ है वो देखना चाहते हैं।